दोस्तों यहाँ पे Realme ने जुलाई के अपडेट के बाद अगस्त का अपडेट सबसे पहले नार्जो 10 और 10 डिवाइसेस के ऊपर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको सिक्योरिटी पैच जुलाई का ही मिलने वाला है, लेकिन बहुत कुछ नया मिलने वाला है आपको नार्जो 10 और 10A डिवाइस में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम रियलमी से जुड़े हर वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि रियलमी 10A के लिए 11.8.25 का अपडेट रोल आउट यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अब इसमें हमें क्या क्या नया देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे नया मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जुलाई का ही सिक्योरिटी पैच का अपडेट इन्होंने यहाँ पे रोल आउट किया है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सिस्टम में जो चेंज किया है कि एडेड सिस्टम लैंग्वेज सेरेबियन। अब ये जो लैंग्वेज है इसको इंडिया से कोई लेना देना है नहीं। सेटिंग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सेटिंग में इन्होंने एक फीचर जो ऐड किया है कि स्विच टू रोटेट द गाइड बार विद द स्क्रीन द नेविगेशन की। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि रोटेशन में बहुत सारे कीज के फीचर्स जो होते हैं यहाँ पे हमें वर्क करने को नहीं मिलता है, तो इसको यहाँ पे रोटेशन में चेंज किया गया। उसके बाद सेटिंग में इन्होंने एक और चेंज किया है कि ऑप्टिमाइज द फ्लाइट मोड, ब्लूटूथ स्टेटस विल बी नॉट बी इफेक्टेड आफ्टर फ्लाइट मोड इज टर्न ऑन। फ्लाइट मोड टर्न ऑन होने के बाद हमें यहाँ पे ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन अब इसको इन्होंने अपडेट कर दिया है, फिक्स कर दिया है इस इशू को, और बहुत सारे रियलमी की डिवाइसेस में भी ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। अब उसके बाद फिर से सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने फिर से सिस्टम में ऐड किया है कि ऑप्टिमाइज द स्पीड ऑफ द ऐप स्टार्टअप फ्रॉम द रीसेंट ऐप। अब रीसेंट ऐप में हम जब जाते थे तो हमें बहुत ही वहाँ पे स्लोली यानी एकदम कहिए कि एकदम लगेगा कि आपका फ़ोन हैंग सा हो गया, तो उस तरीके से स्विच हो जाता था। तो अब जो है स्विच बहुत फास्ट होगा और आपको इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट की ओर हम बढ़ते हैं। ऑप्टिमाइज फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन रेट। अब यहाँ पे देखिए नार्जो 10 जब सबसे पहले मेरे पास भी आया था तो फिंगरप्रिंट में मुझे वहाँ पे दिक्कत हुई थी ऐड करने में, क्योंकि बहुत ही स्लो वर्क हो रहा था। मैंने कभी किसी रियलमी के डिवाइसेस में इतना स्लो फिंगरप्रिंट वर्क करते नहीं देखा था, लेकिन अब अपडेट के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट सचमुच में हुआ है या नहीं। अगर आपके पास रियलमी का अपडेट आता है तो आप कह कीजिएगा अपने फिंगरप्रिंट को रिमूव करके फिर से उसमें ऐड कीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा और हम भी इस चीज़ को ऐड करके देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम स्टेटस बार की ओर में। ऑप्टिमाइजिंग द डिस्प्ले ऑफ बैटरी आइकन व्हेन चार्जिंग। अब यहाँ पे देखिए एक जो अपडेट हुआ है कि ऑप्टिमाइज द डिस्प्ले ऑफ बैटरी आइकन व्हेन चार्जिंग। अब आप बैटरी को चार्ज में लगाते समय आपको कुछ नए लुक में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आइकन बैटरी वाला चार्जिंग वाले में। तो यहाँ पे देखने वाली बात हुई कि किस तरीके का अपडेट आएगा, अभी इसका क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम कैमरा पे चलते हैं। कैमरा में इन्होंने ऑप्टिमाइज द स्पीड ऑफ फ्रंट कोल्ड स्टार्ट। अब देखिए कैमरा जो है बहुत लेट रिस्पॉन्स यहाँ पे हो रहा था, चाहे वो फ्रंट कैमरे की बात करें चाहे वो रियर कैमरे की बात करें। तो यहाँ पे अभी तो दिया गया है कि जो स्पीड है इनका जो है कैमरा में उसको बग को फिक्स कर दिया गया है और अब कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब कैमरा ओपन करते हैं तो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है, अपसाइड फास्ट रिस्पॉन्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कॉल में। फिक्स द इशू नॉन इमरजेंसी नंबर आर इनकरेक्टली डिस्प्ले एज इमरजेंसी नंबर। अब देखिए इमरजेंसी कॉल में दिक्कत ये हो रही थी, कॉल लगाते समय कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये इमरजेंसी कॉल है या क्या है। जब दूसरे डिवाइसेस में नॉर्मली फ़ोन में भी अगर आप 198 या 100 को कॉल करेंगे तो इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा इस डिवाइस के साथ नहीं हो रहा। अब एक इशू यहाँ पे और एक इशू द अनेबल टू मेक ए कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल में कॉन्फ्रेंस कॉल की शिकायत जो है बहुत सारे नार्जो 10 और 10A दोनों डिवाइसेस के साथ ऐसा होता था कि कॉन्फ्रेंस जब करते थे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो कॉन्फ्रेंस करने के बाद दो ही लोग ही बात कर पाते थे, तीसरा बात नहीं कर पाते थे, तो इसको भी यहाँ पे फिक्स कर लिया गया है और कुछ इसमें नहीं है, बाकी जो था यही सब था। और इन्होंने फिर से एक मैसेज दिया है कि वंस अगेन दिस इज ए फेज रोल आउट, आपको वेट करना पड़ेगा
और मैनुअली लिंक बहुत जल्द रियलमी शेयर करने वाली है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दोस्तों यही कुछ था 10A डिवाइसेस का और नार्जो 10 का अपडेट के बारे में। और इसको अगस्त का अपडेट दिया गया है, अगस्त का अपडेट मैं इसको तब कहता जब ये अगस्त का सिक्योरिटी पैच भी दे देते हैं, तो मैं तो इसे जुलाई का ही कहूँगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।